हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की मेथड, दैट इज ग्राफिकल मेथड। बेटा, इसके पहले सेशन के अंदर हम लोगों ने आपको बताया था कि ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। अगर हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है और उससे हम लोग ग्राफ किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब बेटा, ग्राफ किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं ये हम लोगों ने अगर सीख लिया है और हमें अच्छे से आता है तो ये बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि उसी के ऊपर ये बेस्ड है। बेटा, लास्ट सेशन हम लोगों ने इसलिए लिया था कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, जिसमें आपको ये बनाने के लिए आसानी हो सके। तो बेटा, हम लोगों को यहाँ पे एक इक्वेशन की जगह दो इक्वेशन दिए रहेंगे और मुझे उन दोनों इक्वेशन के दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन बनाने पड़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। जैसे कि हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए किसी भी लीनियर इक्वेशन के हम लोग मिनिमम 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। 3 सॉल्यूशन मतलब 3 कोऑर्डिनेट, जिसको मैं ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करता हूं और बाद में मैं उससे लाइन बनाता हूं। तो बेटा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड क्वेश्चन जो है वहां पे लिखा हुआ है, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। आप लोग भी उस प्रैक्टिस सेट पे आ जाएंगे, पेज नंबर 8 के ऊपर है, और वहां से हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो बेटा, पहले क्वेश्चन में हम लोगों को ये दो इक्वेशन दिए हैं। पहला इक्वेशन दिया है x plus y is equal to 6 और दूसरा इक्वेशन दिया है x minus y is equal to 4। तो पहला इक्वेशन है बेटा x plus y is equal to 6, तो इसके मैं अलग सॉल्व करके इसका पॉइंट्स का टेबल अलग बनाऊं। दूसरा इक्वेशन दिया है x minus y is equal to 4, तो इसको मैं अलग सॉल्व करके इसका पॉइंट का टेबल अलग बनाऊंगा। तो दोनों के कोऑर्डिनेट टेबल मुझे बनाने हैं फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। तो बेटा, पहले इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग जनरली क्या करते हैं, x is equal to या y is equal to के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो चलो, पहला इक्वेशन को मैं यहां पे लिखता हूं, दैट इज x is equal to 6 minus y। तो इस इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट कर दिया x is equal to 6 minus y के फॉर्म में। अब बेटा, मैं यहां पे y की वैल्यू अज्यूम करूंगा और x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, ये तो हम लोग सब जानते हैं। सो देयरफॉर यहां लिखता हूं, दैट इज फॉर y is equal to 3, x is equal to 6 minus 3, that is equal to 3 आ गया। मतलब पहला कोऑर्डिनेट आ गया y is equal to 3, x is equal to 3। दूसरा y is equal to, सपोज मैं ले लूँ, y is equal to, मैंने ले लिया 4, तो x is equal to 6 minus 4, that is equal to 2। और if I have taken y is equal to 5, x is equal to 6 minus 5, that is equal to 1। तो बेटा, for y is equal to 3, x की वैल्यू 3 आ गई, for y is equal to 4, x की वैल्यू 2 आ गई, और for y is equal to 5, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। हम इस पॉइंट टेबल में लिखेंगे। चलो बताओ क्या होगा, for x equal to 3, y equal to 3, तो 3 यहां आएगा 3, 3, राइट। सेकंड इसमें x is equal to 2, पहले याद रखना x की वैल्यू और y की वैल्यू, x equal to 2, y equal to 4, x equal to 2, y equal to 4, तो ये आ रहा है 2, 4। What is the next? x equal to 1, y is equal to 5, x equal to 1, y is equal to 5, तो ये बन गया बेटा 1, 5। मतलब मुझे तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए, तीन सॉल्यूशन मिल गए, और द फर्स्ट इक्वेशन x plus y is equal to 6। अब बेटा, हमारा सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन मतलब व्हाट, x minus y is equal to 4। Now x minus y is equal to 4, इसके भी हम लोग तीन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। चलो करते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x is equal to 4 plus y। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, that is for y is equal to 0, x is equal to कितना आ गया बताओ, 4 plus 0, that is equal to 4। For y is equal to minus 1, x is equal to 4 plus minus 1, that is equal to 3। And y is equal to minus 2, so x is equal to 4 plus minus 2, y की जगह minus 2, that is equal to 2। तो बेटा, ये जो values मैं assume करता हूँ, ये मैं मेरे convenience से assume कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग इस यहाँ पे value fill कर लेंगे, so y is equal to 0, x is equal to 4, y is equal to 0, x is equal to 4, तो ये आ गया 4, 0। y is equal to minus 1, x is equal to 3, y is equal to minus 1, x is equal to 3, ये आ गया 3, minus 1। और y is equal to minus 2, x is equal to 2, y is equal to minus 2, x is equal to 2, ये क्या आ गया बताओ, 2
-2, राइट। तो बेटा ये हमारा पॉइंट्स टेबल और कोऑर्डिनेट टेबल रेडी हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोगों को ये पॉइंट्स को इन दोनों कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना है। तो बेटा बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ, एक साथ 6 के 6 पॉइंट्स प्लॉट कर देते, वैसा हम लोगों को नहीं करना। हमने क्या किया, पहले इक्वेशन को अलग, पहला आप एक पेज के ऊपर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, दो पार्ट में दो इक्वेशन को सॉल्व करिए और उनके कोऑर्डिनेट टेबल निकालिए। सो यहाँ पे 3, 3, 2, 4, 1, 5, यहाँ पे 4, 0, 3, -1, 2, -2। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन 1 के पॉइंट्स प्लॉट करूंगा और पूरा उसको कंप्लीट करूंगा। तो बेटा यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहला पॉइंट है 3, 3, तो 3, 3 अगर आप ग्राफ के ऊपर आपके पास है तो आप लोग भी प्लॉट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आ गया 3, 3, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 3। बेटा हो सकता है थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ करने में एक्यूरेसी ना आए, बट ग्राफ पेपर पे जरूर आएंगे, राइट। सेकेंड पॉइंट है 2, 4। Now 2, 4, तो 2, 4 जो मेरा पॉइंट है ये 2 और आगे जाता हूँ 4, so 2, 4, तो मेरा पॉइंट somewhere I will point will be here, that is 2, 4, right? Next is 1, 5, again point मेरा थोड़ा ऊपर आएगा 1, 5, right? So 3, 3 ये पॉइंट थोड़ा ऊपर हो गया, 3, 3, 2, 4 and 1, 5। तो बेटा तीनों पॉइंट्स मेरे प्लॉट हो गए, यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज 1, 5, दिस इज 2, 4 एंड इट इज 3, 2। तो बेटा ये मेरे पॉइंट लिख दिए, अब मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लूंगा। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से समझना है, यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये लाइन कुछ इस तरह से जा रही, ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, राइट। ये पॉइंट से ये लाइन चली गई, ये लाइन ड्रॉ हो गई, राइट, ये लाइन ड्रॉ हो गई। बेटा ये लाइन एक्स एक्सिस के 6 से जानी चाहिए, जाती है, आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस के 6 से जाएगी। एनीवे हमारे तीनों पॉइंट से हमारी लाइन जा रही है, तो ये लाइन मैंने बनानी है। नाउ दूसरे पहले लाइन का नाम दे दो, क्या बताऊं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। जैसे ये 6 से जा रही है वैसे ये भी 6 से हो जाएगी, आप अगर ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो। नाउ सेकंड इज व्हाट, y - x - y = 4, उसकी ये कोऑर्डिनेट है। चलो पहला पॉइंट है 4, 0, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 0, मतलब आपका ये पॉइंट आ गया, सही है। दूसरा है 3, -1, मतलब आपका पॉइंट आ रहा है समवेयर हियर। और नेक्स्ट इज 2, -2, तो 2, -2, तो आपका पॉइंट समवेयर यहाँ आएगा, राइट। तो बेटा ये आपके 3 पॉइंट हो गए। तो चलो तीनों पॉइंट से जाने वाली हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते, तीनों पॉइंट से जाने वाली लाइन जाएगी, राइट। ये तीनों पॉइंट से जाने वाली लाइन है, इसका नाम है दैट इज x - y = 4। ये पहला कोऑर्डिनेट दैट इज 4, 0, ये दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बताओ, दूसरा कोऑर्डिनेट है 3, -1, दैट इज 3, -1। और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -2, दिस इज 2, -2। तो बेटा ये दोनों भी लाइंस मैंने ड्रॉ कर दिए, और दोनों लाइंस का अगर मैं देखूं तो दोनों लाइंस का यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट भी लिख दिया और नाम भी लिख दिया। नाउ अब ग्राफिकल मेथड में हम लोग सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज अभी समझने का समय आ गया। मैंने अभी तक जो पढ़ा था इसमें दो इक्वेशन थे, दो इक्वेशन से दो मैंने स्टेटमेंट बनाए। बेटा इस लाइन के ऊपर आने वाले सारे पॉइंट, इस लाइन के ऊपर आने वाले सारे पॉइंट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इस लाइन के ऊपर आने वाले सारे पॉइंट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। बट हमें बोला है कि ऐसा सॉल्यूशन निकालो जो दोनों भी इक्वेशन का है। सॉल्व करना मतलब क्या, एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी निकालना जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करे और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करे। तो इक्वेशन 1 और 2 को सेटिस्फाई करने वाली ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है, ग्राफ की भाषा में अगर बोलूं तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों भी लाइन के ऊपर आता है। तो ये पॉइंट मुझे दिख रहा है, लाइन 1 पे भी है एज वेल एज लाइन 2 पे भी है, ध्यान से समझना। ये एक ऐसा पॉइंट मुझे दिख रहा है जो लाइन 1 पे भी है एज वेल एज लाइन 2 पे भी है। तो अगर मैं
अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखो ग्राफ के ऊपर तो आपके एक्यूरेट आएंगे, अगर इसके कोऑर्डिनेट देखो 5 और 1 तो ये कोऑर्डिनेट आ रहे 5, 1। ये कोऑर्डिनेट कितने आ रहे बेटा 5, 1। अब 5, 1 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, मतलब मैं बोल सकता हूं दैट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके कोऑर्डिनेट निकलते हैं क्या आप ये चेक कर सकते हो क्या कि हमारा ग्राफ करेक्ट है? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। 5 और 1 जैसे ही कोऑर्डिनेट आए तो बेटा x की जगह 5 और y की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करके देखो इक्वेशन में, x की जगह 5 दैट इज 5, y की जगह 1, 5 प्लस 1 कितना होगा 6, मतलब पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरे में आते हैं x की जगह 5, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4, मतलब x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1। ये ऐसे वैल्यूज है जो इक्वेशन 1 एज वेल एज इक्वेशन 2 दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। और ग्राफिकल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो 5, 1 इज अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच इज ऑन लाइन 1 एज वेल एज लाइन 2 और इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द लाइन, तो दोनों के लाइन का इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे होगा वो पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा। मतलब व्हाट कि ग्राफिकल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन है तो इस पे आने वाले सारे पॉइंट इसके सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर इक्वेशन है इस लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट इसके सॉल्यूशन है। बट हमें इंडिविजुअल लाइन के सॉल्यूशन थोड़ी निकालना है, हमें ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो दोनों भी इसको सेटिस्फाई करे। तो दोनों भी इसको सेटिस्फाई करने वाला मतलब व्हाट कि ऐसा पॉइंट मुझे चाहिए जो लाइन 1 पे भी है और लाइन 2 पे भी है, तो दैट इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 5, 1। सो यहां मैं लिखूंगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस में लिख देता हूं, राइट, क्योंकि दो इक्वेशंस है, इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब आप अलजेब्रिकली भी इसको निकालोगे, दोनों को ऐड करके जो सी मेथड मैंने पढ़ाई है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, तो उससे भी आपका यही आंसर आएगा। तो बेटा ग्राफ प्लॉट करना या ग्राफिकल मेथड आप लोगों को थोड़ी बहुत ध्यान में आई होगी। ग्राफिकल मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड के अंदर सबसे पहले हम लोगों को जो इक्वेशन दिए है उन इक्वेशन के उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके पहले इक्वेशन से 3 सॉल्यूशन, दूसरे इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन मतलब कोऑर्डिनेट निकालते हैं, बाद में पहले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पॉइंट का प्लॉट करते हैं और उससे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पहली लाइन कंप्लीट, दूसरे इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट थे उसको प्लॉट करते हैं, दूसरी लाइन कंप्लीट। अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस लाइन के क्या रहेंगे, सॉल्यूशन रहेंगे। तो जैसा ये दोनों लाइन 5, 1 पे इंटरसेक्ट कर रही है तो मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये बोर्ड पे ड्रॉ करते हुए थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है बट ग्राफ पेपर पे आप लोगों को एक्यूरेट चीज मिलेगी, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो। अब हम लोग चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we have the next question. I have taken question number 5. तो बेटा बीच के जो questions है आप लोग try करेंगे, आप लोग उसे कर सकते हैं। कोई 2-3 graph मैं और लेने वाला हूँ, बाकी question आप लोगों को करने। Okay? Now यहाँ पर अगर देखेंगे 3x minus 4y is equal to minus 7 and 5x minus 2y is equal to 0. अब सबसे पहले एक वेरिएबल के फॉर्म में हम लोगों को लाना है, दैट इज x इक्वल टू ले लो या y इक्वल टू ले लो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ माइनस 7 इधर लेके जाता हूँ और 4y इधर लाता हूँ, तो ये होगा 3x plus 7 is equal to 4y. Now 3x plus 7 is equal to 4y. तो अगर 4 से मैं डिवाइड कर दूँ, तो y is equal to बनेगा 3x plus 7 upon 4. Now 3x plus 7 upon 4. तो बेटा यहाँ पे डिवीजन में 4 आया है, तो कोशिश करना x की वैल्यू आप ऐसी लो कि जब ये न्यूमरेटर बने उसको 4 से आप लोग डिवाइड कर पाओ, नहीं तो न्यूमरेटर बन गया 11, तो 11 अपॉन 4 आएगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बट 11 अपॉन 4 प्लॉट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत जाएगी, अगर इंटीजर वैल्यू आती है तो हम लोग उसको आराम से प्लॉट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे बोला है y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 अपॉन 4, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू -1 लेता हूँ। देखो ध्यान से समझो, अभी फॉर x इज इक्वल टू -1
माइनस वन लिया तो y इज इक्वल टू होगा माइनस वन इंटू थ्री, माइनस थ्री प्लस सेवन अपॉन फोर, माइनस थ्री प्लस सेवन इज व्हाट फोर, फोर अपॉन फोर, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, वन आ गया। देखो कैसी वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। अब माइनस वन ना लेते हुए सपोज मैं माइनस टू लू तो सिक्स होगा, सिक्स नहीं होगा, चलो प्लस की तरफ चलते हैं। सो वन अगर लूंगा तो क्या होगा, थ्री इंटू वन थ्री, थ्री प्लस सेवन टेन बाय फोर नहीं आएगा, टू लेता हूँ थ्री टू जार सिक्स प्लस सेवन थर्टीन, थ्री लेता हूँ थ्री थ्री जार नाइन, नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन, सिक्सटीन बाय फोर हो सकता है। तो चलो x इज इक्वल टू थ्री लेता हूँ, सो फॉर x इज इक्वल टू थ्री y इज इक्वल टू थ्री थ्री जार नाइन, नाइन प्लस सेवन अपॉन फोर दैट इज सिक्सटीन अपॉन फोर, तो y इज इक्वल टू कितना आया, फोर आ गया। चलो और एक कोऑर्डिनेट निकालना है, अब x इज इक्वल टू क्या लूं, फोर लेके देखता हूँ, थ्री फोर दा ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस सेवन नाइनटीन नहीं चलेगा, फाइव लेके देखता हूँ, फाइव लेके देखता हूँ, फाइव थ्री दा फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस सेवन नहीं चलेगा, और कौन सा कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, निगेटिव में देखो, निगेटिव में अगर देखेंगे तो अगर मैं लूँ माइनस फोर तो थ्री फोर दा माइनस फोर, थ्री फोर माइनस फोर लो तो ये होगा माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व सेवन नहीं चलेगा, फाइव ले लो फाइव थ्री दा फिफ्टीन, फिफ्टीन और सेवन एट आ सकता है, तो चलो माइनस फाइव लेता हूँ, सो फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस फाइव इन टू थ्री दैट इज वाई इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन प्लस सेवन अपॉन फोर, तो वाई इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन प्लस सेवन कितना होगा, माइनस एट, माइनस एट अपॉन फोर कितना आएगा, माइनस टू। तो बेटा एक वैल्यू आपकी आ गई y इज इक्वल टू वन, एक y इज इक्वल टू फोर और एक आ गया y इज इक्वल टू माइनस टू। तो चलो हम लोग ये कोऑर्डिनेट टेबल यहाँ फिल कर लेते हैं, तो वेन x वॉज माइनस वन y वॉज वन तो ये क्या बनेगा बताओ, माइनस वन कॉमा वन, वेन x वॉज थ्री y वॉज फोर ये बनेगा थ्री कॉमा फोर, वेन x वॉज माइनस फाइव y was minus 2 ये बनेगा minus 5 comma minus 2। तो बेटा ये मैंने कोऑर्डिनेट लिख लिए, अब चलता हूँ मैं दूसरे इक्वेशन में, दूसरे में अगर देखूंगा तो 2y उधर लेके जाता हूँ, तो चलो ये क्या होगा 5x is equal to 2y, 5x is equal to 2y, so 5x is equal to 2y, so x is equal to 2y upon 5, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब y की वैल्यू मुझे अज्यूम करनी, अब y की वैल्यू मुझे अज्यूम करनी है इन सच अ वे कि x की वैल्यू मेरी निकलनी चाहिए, तो चलो बेटा y की वैल्यू हम लोग क्या-क्या अज्यूम कर सकते हैं, सबसे पहले फॉर अब 5 डिवाइड बाय 5 है मतलब ऊपर 5 का मल्टीपल आना चाहिए, तो फॉर y इज इक्वल टू 5 ले लिया, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2 5 अपॉन 5, 5 5 कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आया 2 आया, for y is equal to minus 5 ले लिया, x is equal to 2 into minus 5 upon 5, 5 ये minus 1 होगा, so x is equal to minus 1 आ गया, मतलब पहले इसमें x is equal to 2 निकला, दूसरे इसमें x is equal to कितना निकला minus 1, ये सर्कल करना नहीं है, ये मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि ये वैल्यूज निकली है। उसके बाद y is equal to suppose मैंने डाल दिया 0, तो 0 into 2 कितना होगा 0, और 0 divided by anything कितना होगा 0, x is equal to 2 into 0 upon 5, so x is equal to कितना आएगा 0, तो ये एक वैल्यू आ गई। तो मैंने y की यहाँ पे तीन वैल्यूज अज्यूम की और x की तीन वैल्यूज फाइंड की, समझ में आ रहा है, तो चलो यहाँ लिखते हैं, so for y is equal to 5 x was 2 बनेगा 2,5, दूसरा x is y is equal to minus 5 x was minus 2 आना चाहिए, 2 into minus 1 कितना होगा minus 2, बेटा याद करो से करेक्शन है 2 into minus 1 कितना आएगा minus 2, तो ये आएगा minus 2, and when y is equal to 0 x is equal to कितना आएगा बेटा 0, ये क्या आएगा बोलो 2 minus 2 minus 5 और ये 0 comma 0, 0 comma 0 मतलब कौन सा पॉइंट है ओरिजिन है, राइट, तो जब भी हम लोग इसको प्लॉट करेंगे बिफोर दैट ये सबको समझ में आ गया होगा। अब बेटा दोनों लाइंस के हम लोगों ने कोऑर्डिनेट निकाल लिए, अब इन कोऑर्डिनेट्स को मुझे प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए लाइन 1 और लाइन 2 अलग-अलग प्लॉट करनी है, तो लाइन 1 से स्टार्ट करते हैं, क्या है पहला पॉइंट -1 कॉमा 1, चलो -1 x एक्सिस पे y एक्सिस पे 1 मतलब
मतलब आपका पॉइंट कुछ यहाँ आएगा, राइट। दूसरा पॉइंट है 3,4, मतलब x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 4, ये पॉइंट आपका समझल यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और ये आएगा -5, -2, x पे -5, y पे -2, तो ये पॉइंट आपका कुछ यहाँ आ सकता है, राइट। अब बेटा ये मेरे तीनों पॉइंट आ गए, इन तीनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन में बना सकता हूँ। ये आ गया -5, थोड़ा नीचे हो गया, ये ऊपर चल गया, राइट। ये तीनों पॉइंट आ गए, तीनों पॉइंट से ये आ गया -5, -2, ये आ गया -1, 1, और ये आ गया 3,4। तो चलो बेटा तीनों पॉइंट को जोड़ने वाली हम लोग लाइन बना लेते। अब तीनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन ड्रॉ करनी है, पॉइंट थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे प्लॉट हुए हैं, तो ग्राफ पेपर पे बन जाएगा, उसका आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट थोड़ा सा मैं यहाँ ले लेता हूँ, मूव करके, ये पॉइंट तो एक्यूरेट आ गया, ये पॉइंट आ गया, और ये हमारा पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट में यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज 3,4, इसके कोऑर्डिनेट में यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज -1, 1, और ये कोऑर्डिनेट जो है दैट इज -5, -2, और इस लाइन का नाम भी लिख दूंगा, लाइन का नाम है 3x - 4y = -7। सो यहाँ लिख देता हूँ 3x - 4y = -7, राइट। अब हो गया बेटा मेरा पहला लाइन कंप्लीट। अब चल रहा हूँ मैं सेकंड की तरफ। सेकंड लाइन में पहला पॉइंट कौन सा है बताओ, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, तो x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 5, मतलब मेरा पॉइंट कुछ तो भी यहाँ आएगा 2,5, राइट। उसके बाद x पे -2, y पे -5, x पे -2, y पे -5, बहुत नीचे चले गया, यहाँ आएगा, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट है 0,0, 0,0, मतलब ओरिजिन। तो बेटा यहाँ इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन जो ओरिजिन से जा रही है, और ये तीनों पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो गए, ये आ गई, तो ये हो गया ये पॉइंट, ये ओरिजिन, ये थोड़ा सा इधर प्लॉट हो गया होगा, और ये पॉइंट, ये लाइन है। चलो पहले तो कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, पहला कोऑर्डिनेट है 2,5, तो यहाँ लिख दिया बेटा 2,5, दूसरा ये कोऑर्डिनेट है दैट इज 0,0, और लास्ट कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, -2, -5, तो ये आ गया -2, -5। तो बेटा यहाँ पे आपका कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, इसमें एक्यूरेट नहीं आएगा, बट इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो रहेगा इट इज 1, एक्स एक्सिस पे 1, और वाई एक्सिस पे इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के यहाँ पे बीच में आएगा, बीच में मतलब ये पॉइंट मतलब 2.5, ये पॉइंट मतलब कौन सा है 2.5, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे दैट इज x = 1 and y = 2.5, इसका आंसर आएगा। आप बेटा जब ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो आपका एक्यूरेट आंसर आएगा दैट इज x = 1 and y = 2.5। तो बेटा ये जो दोनों लाइंस है वो कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, 1, 2.5, 2.5, अगर आपको नहीं लिखना है तो आप 5/2 भी लिख सकते हो, क्योंकि 5/2 ही मतलब क्या होता है 2.5, पर जनरली हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं दैट इज 2.5, फ्रैक्शन में नहीं लिखते, डेसिमल में लिखते हैं दैट इज 2.5, सो 1, 2.5, यहाँ मैं क्या लिखूंगा, देयरफोर x = 1 एंड y = 2.5, 2.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज 5/2 इज सॉल्यूशन, x = 1 and y = 2.5, ये इसका क्या आ गया सॉल्यूशन। तो बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ग्राफिकल मेथड किस तरह से करनी है। ग्राफिकल मेथड के अंदर हम लोगों को दो इक्वेशन दिए रहेंगे, पहले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, दूसरे इक्वेशन के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, पहले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट प्लॉट करना, प्लॉट करके लाइन 1 बनाना, दूसरे इक्वेशन के कोऑर्डिनेट प्लॉट करके लाइन 2 बनाना,
सेकंड इक्वेशन का नाम मैंने नहीं लिखा, दैट इज 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। आप नोट करेंगे तो दोनों इक्वेशन जब प्लॉट हो जाएंगे, दोनों इक्वेशन का ग्राफ जब प्लॉट हो जाएगा, तब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो रहेगा वो उस इक्वेशन का क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, राइट। तो 1, 2.5 आप इसमें डालते, देखो 1 x की जगह 1 और y की जगह 2.5 आप डालोगे तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। सो मैं बोलूंगा x is equal to 1 and y is equal to 2.5 is the solution of the given equation, okay? तो बेटा ये सॉल्यूशन हमने ग्राफिकल मेथड से निकाला। और एक ले रहे क्वेश्चन नंबर 6, 5 के बाद वाला, बिफोर दैट आप पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। Now, the last question, that is 2x minus 3y is equal to 4 and 3y minus x is equal to minus 4. So, this is the question दिया हुआ है, यहाँ पे दो equation, इन दोनों equation के coordinate निकालने हैं, उसको सिर्फ plot करना है, lines बनाने हैं और point of intersection को निकालना है। अब बेटा यहाँ पे पहले equation से अगर मैं चलता हूँ, तो ये होगा 2x is equal to 4 plus 3y, so therefore x is equal to 4 plus 3y upon 2। बेटा ये मैंने पहले इक्वेशन को x is equal to सिंपलीफाई किया, अब y की वैल्यू अज्यूम करूंगा, x की निकालूंगा, यहां लिखता हूं for y is equal to, सबसे पहले 0 ले लिया, तो 3 into 0 कितना होगा 0, 4 plus 0 4, तो x is equal to 4 plus 0 upon 2, that is equal to कितना आएगा 2, x is equal to 2 आ गया, for y is equal to 0, x is equal to 2 आया। second में y is equal to, suppose मैं assume करता हूँ, y is equal to minus 1 करता हूँ, minus 1 नहीं, y is equal to करूँगा, अब 2 से divide करना है, तो ये multiple of 2 ही करना पड़ेगा, so y is equal to suppose 2 assume किया, y is equal to 2, y is equal to 2, तो x is equal to बताओ क्या होगा, x is equal to 4 plus 3 to 6, 6 upon 2, 4 plus 6 के 10 upon 2 कितना आएगा, 5 आएगा, so for y is equal to, अभी मैं assume करता हूँ, suppose मैंने किया 4, अभी कितना किया था 2, अब अगर मैं 4 करूँगा तो चलो 4 करता हूँ, तो y is equal to 4 assume किया, तो x is equal to कितना आया, 4 plus 4 3 is 12 upon 2, 12 plus 4, 16 by 2, that is equal to कितना आ गया, 8 आ गया, मतलब तीन coordinate मैंने assume किए, तीनों के आ गए, तो चलो, when y, x और y आ लिख दिया, when y equal to 0, x equal to 2, y equal to 0, x equal to 2, तो पहला point आ गया, 2, 0, when y is equal to 2, x equal to 5, when y equal to 2, x equal to 5, यह आ गया 5, 2, and when y is equal to 4, x equal to 8, when y is equal to 4, x equal to 8, यह आ गया 8, 4। तो बेटा पहले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स से मेरे बन गए क्या क्या बने, 2, 0, 5, 2 और 8, 4। अब बारी है सेकंड इक्वेशन की, सेकंड इक्वेशन में मैं इसको सिंपलीफाई कर लेता हूँ, 4 इधर लेके आता हूँ, सो होगा 3y minus 4 is equal to x, so therefore x is equal to 3y minus 4। अब बेटा यहाँ पे तो मैं कोई भी वैल्यू सिंपल है, y is equal to पुट करते चलो, तो चलो तो for y is equal to 0, x is equal to 3 into 0 minus 4, that is minus 1, right? 3 minus 4 minus 1, so y is equal to suppose 1 ले लिया, so x is equal to, यह आएगा minus 4, यह कितना आएगा minus 4, 3 into 0, 0, 0 minus 4, minus 4, when y is equal to 1 होगा यह क्या बनेगा, 3 into 1 minus 4, that is 3 minus 4 कितना होगा minus 1, and when y is equal to 2 लूंगा तो x is equal to 3 into 2 minus 4 that is 6 minus 4 कितना आएगा 2। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन किया है, सब लोग नोट करेंगे, that is when y is equal to 0 लिया तो 3 into 0 कितना होगा 0, 0 minus 4 कितना आएगा minus 4, तो पहली वैल्यू when y is equal to 0 x equal to minus 4, तो पहला कोऑर्डिनेट minus 4 comma 0, when y equal to 1 x equal to minus 1 यह आएगा minus 1 comma 1, when y equal to 2 x equal to 2 यह आ गया 2 comma 2,
तो बेटा हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें दो इक्वेशन दिए थे, उन दोनों इक्वेशन को मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं तीन तीन, अब उसको प्लॉट करो। तो पहले इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, 2, 0, तो चलो x एक्सिस पे 2, y पे 0, मतलब पहला पॉइंट मेरा ये आ गया जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। दूसरा है 5, 2, तो x एक्सिस पे 5, y एक्सिस पे 2, तो ये पॉइंट यहाँ आसपास आएगा, दैट इज 5, 2। और तीसरा पॉइंट है 8, 4, 8 ये हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये 8 के बाद 4, मतलब ये आएगा अप्रोक्सीमेट यहाँ पे, आएगा अप्रोक्सीमेट राइट, ये 8, 4 थोड़ा नीचे भी आ सकता है। बेटा ग्राफ पेपर में प्लॉट करो पैरेलली, आपको समझ में आएगा। ओके, नाउ ये तीनों पॉइंट मेरे आ गए, अगर मैं इन तीनों पॉइंट को जोड़ दूं तो मेरा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये पॉइंट थोड़े ऊपर नीचे प्लॉट हुए होंगे, मैं इसको पहले जोड़ देता हूँ, जोड़ने के बाद मैं उस पॉइंट को करेक्ट कर लूंगा। ये पॉइंट जो है 5, 2 में थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये पॉइंट्स आ गए, ये इक्वेशन है 2x माइनस, नीचे लिखता हूँ राइट, यहाँ लिखता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ इस लाइन को इधर, और यहाँ लिखता हूँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये कोऑर्डिनेट कौन सा है बताओ, ये कोऑर्डिनेट है 2, 0, ये कोऑर्डिनेट है 5, 2, और ये कोऑर्डिनेट है 8, 4, ये कोऑर्डिनेट है बेटा 8, 4। ओके, नाउ अब नेक्स्ट लाइन की तरफ चल रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन में -4, 0, एक्स एक्सिस पे -4, y एक्सिस पे -4, y एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस पे -4, y एक्सिस पे 0, मतलब ये पॉइंट आ गए। सेकंड इज -1, 1, -1, 1, मतलब सेकंड पॉइंट यहाँ आ रहा है ना। अब थर्ड पॉइंट आएगा 2, 2, 2, थर्ड पॉइंट कुछ तो भी यहाँ आएगा अप्रोक्सीमेट राइट। अब मैं इसको अगर ज्वाइन करता हूँ, तो ज्वाइन करते समय एक मिनट, ज्वाइन करते समय मैं इसको अगर ड्रॉ करूँ तो ये ऐसी लाइन बनेगी। अब ये जो लाइन बनी है इसके पॉइंट थोड़े से अपडेट कर देता हूँ ताकि एक्यूरेसी आए। ये पॉइंट लाइन ड्रॉ की, तो ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है बेटा जो ऑलरेडी पॉइंट था लाइन वन का। तो पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख दूँ, ये आया -4, 0, ये आया -1, 1, ये पॉइंट आया 2, 2, और ये जो लाइन है इस लाइन का नाम क्या है, 3y - x = 4। तो 3y - x = 4, तो बेटा 3y - x = 4 एंड 2x - 3y = 4, इन दोनों का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो इसका जो लाइंस है, इसका जो ग्राफ है जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट है 8, 4, 8, 4। तो मैं बोल सकता हूँ x = 8 एंड y = कितना बताओ, y = 4 इज सॉल्यूशन, x = 8 एंड y = 4 इज सॉल्यूशन। तो बेटा जब ये सॉल्यूशन निकलता है तो हम लोग वेरीफाई कर लो, चलो x = 8 डाल दो, 8 to 8, x = 8, तो 8 2 जर कितना 16, y = 4, 4 3 जर 12, 16 - 12 4, पहला वेरीफाई हो गया। दूसरा, दोनों वेरीफाई होना जरूरी है, दूसरे में 8 3 जर कितना होगा, x = 8 है तो ये -8 आएगा, और y = 4 है, 4 3 जर 12, 12 - 8 = 4, सेकंड भी वेरीफाई हो गया। तो बेटा हम लोगों ने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सॉल्यूशन इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करता है, दिस मींस आवर आंसर इज करेक्ट दैट x = 8 एंड y = 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द ग्राफिकल मेथड, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। ग्राफिकल मेथड के अंदर अगर हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हमें दो इक्वेशन दिए रहेंगे, दोनों इक्वेशन के हम लोग तीन तीन सॉल्यूशन निकालेंगे, मिनिमम तीन तीन सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको कोऑर्डिनेट टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद मैं पहले कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करूंगा, लाइन 1 ड्रॉ करूंगा, दूसरे कोऑर्डिनेट को प्लॉट करूंगा, लाइन 2 ड्रॉ करूंगा, जितने भी पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स में लिखूंगा, लाइन के नाम में लिखूंगा, और दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है
वहां पे मैं बोलूंगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं उस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलूंगा. व्हाई? बिकॉज दैट पॉइंट इज कॉमन इन बोथ द लाइन. सो देयरफॉर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. ओके तो बेटा दैट्स ऑल फॉर ग्राफिकल मेथड. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर विद द न्यू मेथड. तो इसके बचे हुए क्वेश्चन आप लोग कोऑर्डिनेट निकाल के आराम से ग्राफ बना सकते हो. तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसकी प्रैक्टिस करें. चलो थैंक यू.